हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंदु मैम सावल क्लासेस दे प्लेटफॉर्म दे ऊपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदी हां। सो स्टूडेंट्स, जिस तरह तुहानू सब नू पता है कि अज पंजाब पटवारी दा पेपर कंडक्ट होया है, तां इस दे विच इह जो पेपर सी बहुत ही ईजी रहा है। मैं अज तुहाडे नाल रीजनिंग दे सैक्शन नू डिस्कस करांगी जी। इस पेपर दे 76 तो लैके 90 नंबर तक दे जो क्वेश्चन सी रीजनिंग सब्जेक्ट दे विचों कवर किए गए हैं। सब तो पहले क्वेश्चन नंबर 76 जो कि नंबर सीरीज दे विचों लिता गया सी। क्वेश्चन अपने कोल 325, 259, 204, 160, 127, 105। तो सब तो पहले आप अगर डिफरेंस देखिए डियर, तो हर बार डिफरेंस जो है घटते क्रम दे विच है। पहले 66 का डिफरेंस है, दैन 55, 44, 33 अते 22, जो कि एक प्रॉपर सिक्वेंस है। तो नेक्स्ट टाइम अपने को जो डिफरेंस आना चाहिए, जो 11 का डिफरेंस होना चाहिए, तो अगर आप 105 के 11 को घटाते हाँ तो अपने को आंसर की आ जाएगा जी 94, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। सो 76 क्वेश्चन का आंसर की हो जाएगा, अपने को ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 अगेन अल्फाबेट सीरीज के चुकया गया क्वेश्चन है। अल्फाबेट्स के क्वेश्चंस नू सॉल्व करने के लिए आप इन्हां दे स्थानां नू डिफाइन करांगे। एच जी क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट अगेन अपने को क्वेश्चन मार्क है अते आई। तो पहले अगर मैं स्थान देखा तो 1, 4, 3, 6, 8, 7, 9 तो अपने को जो डिफरेंस है वद घट रहा जी। पहले कुछ जोड़िया गया है फिर घटा दिता गया है ना, फिर 3 जोड़े गए हैं, फिर नेक्स्ट फिगर मिसिंग है। तो इट मीनस कि ऑल्टरनेट फिगर चलन गया, 1 + 2 3, 3 + 2 की हो जाएगा 5, पंजवें स्थान के ऊपर की होंगे जी आई। 5 + 2 7, 7 + 2 9, इसी तरह ही 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 की हो जाएंगे 10, तो 10वें स्थान के ऊपर की होंगे जी जे। तो आंसर की हो जाएगा ई एन जे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जे तो ई नहीं हो सकते, पहला ऑप्शन ई रहेगा। सो आंसर 77 का की हो जाएगा, अगेन ए हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो कि अगेन नंबर सीरीज के लिता गया से 78 नंबर क्वेश्चन, 3, 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप इस लॉजिक देखिए, तो 3 का दुगुना 6 माइनस 1 कर दिता 5, 5 का दुगुना 10 माइनस 1 9, 9 का दुगुना 18 माइनस 1 17, तो 17 × 2 34 - 1 की हो जाएगा 33, जो कि अगेन ऑप्शन है ए। तो 78 क्वेश्चन आंसर की आ जाएगा जी, अपने को ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। 79th क्वेश्चन जो कि वर्ड एनालॉजी दे विचों लिता गया सी, शब्द से संबंध। पहले दोनों शब्दों दे विच की रिलेशन है जी, माउंटेन्स तो काफ़ी छोटिया रहिंदी है पहाड़ियाँ हिल्स, ट्री तो काफ़ी छोटिया रहिंदी है झाड़ियाँ। तो आंसर की आ जाएगा श्रब, झाड़ियाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 79th क्वेश्चन आंसर की हो जाएगा जी, डी हो जाएगा। 80th क्वेश्चन, 80th क्वेश्चन अपने कोल इस नंबर एनालॉजी के टॉपिक विचों लिता गया है। 48 × 122 (+), 168 नेक्स्ट तुसी फाइंड आउट करना सी। तो इसके नज़दीकी वर्ग किस दे, 7 का स्क्वेयर - 1, 11 का स्क्वेयर + 1, 13 का स्क्वेयर - 1। पूर्ण वर्ग हमेशा अपन ध्यान रखने से, 7 + 4 = 11 होंगे, तो 13 + 4 किन्ने हो जाएंगे 17, तो 17 का वर्ग + 1, 17 का वर्ग होंगे जी 299 + 1 = 290, जो कि ऑप्शन है अपने को सी। तो 80th का आंसर की हो जाएगा जी, अपने को सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर जी। 81 नंबर क्वेश्चन जो कि वर्ड क्लासीफिकेशन के चुकया गया क्वेश्चन सीगा। 81 क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं, वॉल्यूम, साइज, लार्ज अते शेप। इस लार्ज जो है ऑड वन आउट है, जो कि एक डिफाइंड है फिगर है, क्वान्टिटी है मैटर की। सो आंसर ऑप्शन इज सी। 82 नंबर क्वेश्चन नंबर अल्फाबेट कोडिंग दे विचों लिता गया है। साइट आर एफ वी टी यू इसका कोड दिता गया है, अपने रिवील दे लिए दसना सी। अगर आप इन्हां दे स्थानां नूं चेक करिए, तो मेरे को इसका कोड की बनता है जी, अपने को इसे स्थान आएंगे 19, 9, 7, 8, 6, 22, 21, 7। हर बार हर लैटर दे विच +3 दा पैरेलल कोडिंग के अंदर एडिशन किया गया, 13 हर बार जोड़े गए हैं। तो अपन लॉजिक पता है, यही लॉजिक अपन अगे अप्लाई कर देना सी 1 अते 12। तो 18 दे विच जो तुसी 13 ऐड करोगे, तो मेरे को आंसर की आ जाएगा जी 31। 31 नहीं होंगे तो
छब्बी पांच इकत्ती होंगे, 26 + 5 = 31 होंगे, तो पंजवें स्थान के उपर की होंगे अपने को ई। तो मीन्स की वाई ऑप्शन भी नहीं है, डी ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है, तो आंसर की हो जाएगा डी। क्लियर, तो आंसर की आ गया जी डी। इन्हों के 4 बार 13 ऐड करने के उपर अपने को रिजल्ट आ जाएगा डी। 82 नंबर क्वेश्चन आंसर की रहेगा तो को डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 जो कि नंबर कोडिंग दे विचों चुकिया गया सी, तो बहुत ईजी पार्ट सी क्योंकि अपने इसे डायरेक्टली मैचिंग के आधार उत्ते कॉपी करने के आधार उत्ते अपने क्वेश्चन का आंसर करना सी। आपां नूं क्लियर का कोड दिता गया 67810, मॉनसून का कोड दिता गया 2395339, तो तुसी रैनसम का कोड दसना सी। इस दे विच आपां की कहने हैं कि कोई भी लैटर जो है उसमें एक कोड असाइन किया जाता है, फर्स्ट लैटर का कोड फर्स्ट है, सैकेंड का सैकेंड है, थर्ड का थर्ड एंड सो ऑन। विद इन क्वेश्चन कभी भी कोड अगर चेंज नहीं होंगे, हम देखो ओ का कोड तीनों स्थानों के उपर 3 दिता गया, तो यही लॉजिक तुसी अगे चुकना सी। आर अपने को पहले स्थान पर थे, आर की है चौथे स्थान पर, चौथे स्थान पर नंबर की है 1, ठीक, तो आर का कोड की हो गया जी अपने को 1 ए। हूँ ए अपने को तीसरे स्थान पर 8, तो अपने को आ जाएगा जी ए। एन का 9, एस दे 5, ओदा कोड हो जाएगा 3, एम द 2, 189532, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर क्वेश्चन आंसर की हो जाएगा जी अपने को सी हो जाएगा। क्लियर जी। 84th क्वेश्चन जो सी ए उठाया गया है टॉपिक ब्लड रिलेशंस दे विचों, तुहानू क्वेश्चन दिता गया है इनडायरेक्ट रिलेशंस का जो कि सेकंड टाइप रहिंदी है बेसिकली। क्वेश्चन है पॉइंटिंग टू केतन नम्रता सेड, केतन दे वाल इशारा करते हुए निम्रत ने कहा ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिता, तो माई तो आप शुरू कर दें, नम्रता की कहती है मेरे पिता, ठीक जी, उसके पिता दे इकलौते बेटे, मीनस कि नम्रता के भरा हो गए का बेटा है, नम्रता के भरा का बेटा है। हाउ इज केतन्स मदर रिलेटेड टू नम्रता, केतन की जो माँ है ये केतन हो गया, केतन की मदर कौन होएगी, नम्रता के ब्रदर की वाइफ, तो केतन की जो माँ है कहते उसको दसो नम्रता के ना की रिलेशन है, तो की लगेगी उसकी भरजाई, दैट इज सिस्टर इन लॉ, सो ऑप्शन इज अगेन डी। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन तुहानू दिता गया सी फ्रॉम द टॉपिक डायरेक्शन, तुहानू क्वेश्चन दिता गया जी कहते अमित ने, अमित वॉक 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, अमित ने पूर्व दिशा के वल 30 मीटर की दूरी तय की, फिर उसने राइट टर्न किया 40 मीटर की दूरी तय कर ली है, दैन ही टुक लैफ्ट टर्न एंड वॉक 30 मीटर, फिर उसने लैफ्ट टर्न किया 30 मीटर की दूरी तय की, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्टिवली कि डायरेक्शन है, इधर वाल अपना साउथ है, राइट हैंड वाल ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन जो है टॉपिक तो उठाया गया वेन डायग्राम से विचों, वो टॉपिक है क्वेश्चन है तुहाडे कोल टीचर मैन अते ऑथर्स, अध्यापक पुरुष अते लेखकां दे विच तुसी संबंध दर्शाउणा सी। हुण देखो सारे टीचर पुरुष नहीं होंदे, सारे टीचर लेखक नहीं होंदे, सारे पुरुष भी लेखक नहीं होंदे, तो सारिआं दा ही एक दूजे दे नाल थोड़ा थोड़ा रिलेशन है, तो आंसर की आ जाएगा अपने कोल ए, जो कि सब दे पार्शियल रिलेशन नूं दर्शाउंदा है। 86 क्वेश्चन आंसर इज ए। 87th क्वेश्चन जनरल नॉलेज पेपर बेस्ड सी, कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन सी, तुहानू की किया इन्होंने, कहिंदे अ नंबर इज ग्रेटर दैन 3, एक अ नंबर इज ग्रेटर दैन 3 बट लैस दैन 8, कोई नंबर है जो कि 3 तो वड्डा है परंतु 8 तो छोटा है, इट इज ऑलसो ग्रेटर दैन 6, ये जो नंबर है 6 तो ही वड्डा है परंतु 10 तो छोटा है, कहिंदे दसो नंबर किहड़ा है। हूँ जो ये नंबर है अगर आप 5 लेना तो इस कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, 6 लोगे तद भी फुलफिल नहीं कर पाएगा, तो आंसर की हो जाएगा जी अपने को सी। 87th क्वेश्चन आंसर ऑप्शन इज सी। 88th क्वेश्चन उठाया गया है फ्रॉम द टॉपिक रैंकिंग टेस्ट, क्वेश्चन है तुहाडे कोल कहिंदे कतार दे विच कुछ लड़के बैठे हैं, ए इज 13th फ्रॉम द लैफ्ट एंड डी इज 17th फ्रॉम द राइट, ए का जो है लैफ्ट तो 13वां रैंक है, मेरा लैफ्ट क्वेश्चन का लैफ्ट है, राइट क्वेश्चन का राइट है, ए का लैफ्ट तो 13वां रैंक है जदों की डी का 17th रैंक है राइट तो, इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम द राइट, कहते हूँ ए का लैफ्ट तो 13वां रैंक सीगा परंतु अगर मैं राइट तो चेक करा तो राइट तो उसका रैंक की हो जाता है जी 11th हो जाता है, ठीक, लैफ्ट के जिसके अगे हैं 12, राइट विच हैं 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हैं 13 + 11 - 1
24 ਮਾਈਨਸ 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 23 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 23 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਡੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਤੋਂ 17 ਫਰੈਂਕਸ ਸੀ ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਦਾ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਰੈਂਕ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ 23 ਮਾਈਨਸ 16 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 16 ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 7th दैट इज ऑप्शन नंबर बी 38 का आंसर की आ जाएगा जी अपने को बी आ जाएगा क्लीयर 89th क्वेश्चन सी अपने को जी कहते 30th जून 2003 वीरवार से तो दसो 2 मार्च 2003 की दिन होएगा ती मार्च जनवरी के महीने च 31 दिन होंगे जी 30 मार्च का तुम दिन दे दिता है तो जनवरी के महीने के किन्ने दिन बच गए अपने को एक दिन बच जाएगा फरवरी के 4 डेज किन्ने हो गए 0 मार्च के ऑड डेज किन्ने आएंगे 2 तो टोटल ऑड डेज किन्ने अपने कोल जी 3 तो 3 दिन अगे चले जावांगे वीरवार तो 3 दिन अगे की होएगा अपने कोल शुक्रवार शनिवार अते रविवार या फिर एतवार तो मेरा आंसर की हो जाएगा डी दैट इज ऑप्शन नंबर डी 39th क्वेश्चन आंसर की आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट इज संडे ठीक जी सॉरी ऑप्शन नंबर डी दैट इज संडे क्लीयर वीरवार दिता गया 3 दिन अगे जाना है शुक्रवार शनिवार अते एतवार 90th क्वेश्चन अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रोंग एज ही गॉट राइट कहिंदे एक स्टूडेंट है जिन्ने उसने राइट क्वेश्चन किते उस तो दुगने उसने रोंग कर दिते जिन्ने उसने राइट किते उस तो दुगने उसने की कर दिते गलत कर दिते टोटल अटैम्पटड क्वेश्चन किन्ने उसने 48 तो दसो उसने किन्ने क्वेश्चन जो है करैक्टली सॉल्व किए तो आप तिगना चाहिए ना तो 12 × 3 = 36 होंगे पॉसिबल नहीं है टोटल 48 क्वेश्चन है तो 16 × 3 = 48 अगर उसने 16 क्वेश्चन राइट किए तो 32 क्वेश्चन उसने की कर दिए हैं जी रोंग कर दिए हैं क्लीयर स्टूडेंट्स तो यह पेपर बहुत ही ईजी सगा जिसनों हर बच्चा बड़ी आसानी के अटैम्प्ट कर सकता सगा ये आंसर की तुम मेरे मैच कर सकते हो कोई भी डाउट हो कमेंट सैक्शन कमेंट करके दस सकते हो ठीक जी अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो इस चैनल में सबसक्राइब जरूर करो ताकि सारे अपकमिंग लैक्चर्स के एग्जाम्स नोटिफिकेशन मिलते रहन अपने फ्रेंड्स से वीडियो शेयर करना ना भूलो थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट